हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का 2019 पेपर सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है। हिंदी में हम इसे पूंजीगत आय कहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट वो इनकम होती है जो कि गवर्नमेंट के ऊपर उधार होती है और इस उधार को गवर्नमेंट को बाद में रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, मीन्स ये हुआ कि इस इनकम से सरकार की मीन्स गवर्नमेंट की देनदारी बढ़ती है, देनदारी। और कैपिटल रिसिप्ट को हम बैलेंस शीट की लियाबिलिटी साइड में लिखते हैं जो कि गवर्नमेंट बाद में लौटाती है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा कैपिटल रिसिप्ट का, जैसे कि आरबीआई, फॉरेन या फिर लोगों से लिया गया उधार जो कि गवर्नमेंट बाद में रिटर्न करेगी। अब हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए क्या है, मार्केट बोरोइंग्स इंक्लूडिंग स्पेशल बॉन्ड्स, ये क्या होगा, उधार होगा, तो ये कैपिटल रिसिप्ट का कंपोनेंट है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बी क्या है, एक्सटर्नल लोन्स रेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ये भी क्या है, लोन है और इस लोन को गवर्नमेंट बाद में लौटाएगी, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा। सी क्या है, रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन, इसकी रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होती, तो ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट नहीं है। तो ये किसका पार्ट होगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा और इसे हम प्रॉफिट लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीपीएफ कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट की लियाबिलिटी होती है, इसे बाद में रिटर्न करना। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए बी और डी ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है और ऑप्शन सी ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सोसाइटल डेवलपमेंट। सोसाइटल डेवलपमेंट क्या होता है, सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों की भलाई के लिए मींस वेल बीइंग के लिए सोसाइटी का डेवलपमेंट करना। ठीक है फ्रेंड, तो ये कैसे होगा कि सोसाइटी के हिसाब से जो जो काम सही हैं उस काम को हम क्या कहते हैं, फोक वेज में क्या काम आते हैं जो कि सोसाइटी के हिसाब से करेक्ट होते हैं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, किसी को मारना नहीं, सही टाइम पर उठना, सही टाइम पर काम करना, ये सब फोक वेज में आएंगे। तो ये सब चीज़ें किस में जाएगा, ट्रेडिशन में, वो लाइफ स्टाइल बन जाएंगी, फिर उसी लाइफ स्टाइल के हिसाब से ही लोग अपनी खरीदारी मीन्स कस्टम्स में चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा इसके आंसर होगा, फोक वेज ग्रो इनटू ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशंस ग्रो इनटू कस्टम, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जेंस थ्योरी ऑन सोशल चेंज। ठीक है फ्रेंड, सोशल चेंज करने की कन्वर्जेंस थ्योरी क्या कहती है, तो कन्वर्जेंस मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को या किसी भी तरह की प्रॉब्लम को जब हम लॉजिक, नॉलेज और डिसिप्लिन्स का यूज़ करते हुए सोसाइटल नीड के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, जिससे कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके और सोसाइटी मॉडर्न बन सके। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एज सोसाइटीज बिकम मॉडर्नाइज्ड दे बिगेन टू रिजेंबल वन अनदर मोर क्लोजली। रिजेंबल का मतलब क्या होता है, लुक लाइक, मतलब एक तरह दिखना। ठीक है फ्रेंड, जब दो सोसाइटी मॉडर्नाइज होती हैं तो वो एक ही तरह दिखती हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है।
इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, दी कन्वर्जेंस थ्योरी ऑन सोशल चेंज। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, परफेक्ट कंपटीशन रिफर्स टू। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का वो कंपटीशन होता है जिसमें मार्केट में एंट्री और एग्जिट के लिए कोई बैरियर नहीं होता, मींस इसमें कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है, ठीक है फ्रेंड। और इस कंपटीशन में बायर और सेलर लार्ज नंबर में होते हैं और इसमें प्रोडक्ट जो होते हैं वो हाईली सिमिलर होते हैं, ठीक है फ्रेंड। और इस कंपटीशन में हमको प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे एग्जांपल, परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल क्या होगा, एग्रीकल्चरल मार्केट और ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है फ्रेंड। तो हम देख लेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी देखिए, कंप्लीट फ्रीडम इन इकोनॉमिक लाइफ एंड एब्सेंस ऑफ राइवलरी अमंग फर्म्स, मींस फर्म्स या कंपनी के बीच में कोई दुश्मनी नहीं होती और उनको मार्केट में कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्कल पॉलिसी मींस, फिस्कल पॉलिसी क्या इंडिकेट करता है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स एस्टिमेशन उस देश की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट करेगा या फिर इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है फ्रेंड। फिस्कल पॉलिसी का मेन मोटो क्या होता है, इकोनॉमी को स्टेबल करना, रिसेशन और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है फ्रेंड। तो हम देख लेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी देखिए, यूज ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट फॉर पर्पसेस ऑफ स्टेबलाइजेशन और डेवलपमेंट, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द ऑफरिंग ऑफ मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक। मुद्रा बैंक की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में की गई थी। ये डेट और ईयर भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। मुद्रा बैंक का मेन एम ये था कि माइक्रो या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज को लो रेट पर लोन प्रोवाइड करवाना, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे सेकंड नंबर देखिए, क्रेडिट फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज, ये लार्ज के लिए नहीं है, किसके लिए है, माइक्रो या स्मॉल के लिए। तो सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस स्कीम में क्रेडिट गारंटी दी जाती है, मुद्रा कार्ड दिया जाता है और क्रेडिट एनहेंसमेंट होता है। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे कि जिस ऑप्शन में सेकंड होगा वो ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन वन में टू है, ऑप्शन सी में भी टू है और ऑप्शन डी में भी टू है। तो ऑप्शन ए, सी और डी हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा सिर्फ ऑप्शन बी बचा, ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द की रीजंस फॉर इनकरेजिंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले आप ये जाने कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस इंटरप्राइज को डेवलप तरीके से ऑर्गेनाइज करके ऐसे रन करना कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो सके, ठीक है फ्रेंड। तो प्रॉफिट गेन करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। और इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ साथ मार्केट में इम्प्रूव प्रोडक्ट लॉन्च करें जिससे कि सोसाइटी का बेनिफिट हो, ठीक है फ्रेंड। तो हम देख लेंगे हमारे कौन से यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होंगे। फर्स्ट देखिए, इनोवेशन, ये हमारा करेक्ट है। सेकंड क्या है, फोकसिंग ऑन सर्विस इंडस्ट्री। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री पे फोकस नहीं रहता, ये सारी इंडस्ट्री पे फोकस रहता है। तो ऑप्शन टू हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थ्री क्या है, ब्रिंगिंग द वैल्यूज ऑफ प्रोएक्टिविटी इन टू द सोसाइटी, ये भी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन वन और ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट है। तो हम देख लेंगे हमारा कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन एंड थ्री ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च्ड इन द कंट्री। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में इंडिया में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का मेन मोटो ये था कि कंट्री के गोल्ड इंपोर्ट को कम करना और इंडिया में जितना भी अनयूटिलाइज्ड गोल्ड है उसको फिर से इस्तेमाल में लाना, मींस मोबिलाइज करना, ठीक है फ्रेंड। साथ ही साथ गोल्ड का इजी स्टोरेज करना, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे क्या है, गोल्ड कंज्यूमर, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए जो इंडिया में गोल्ड स्टोर है उसको फिर से रिसाइकल करना, ठीक है फ्रेंड, ताकि गोल्ड इंपोर्ट कम से कम हो सके। 2015 के बाद से आपने कई बार सुना होगा जैसे गोल्ड पेपर, गोल्ड लोन या फिर गोल्ड बॉन्ड, ठीक है फ्रेंड। तो ये सभी किसके अंडर में आते हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के। तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट देखिए, टू मोनेटाइज गोल्ड होल्डिंग्स इन दी कंट्री, ये हमारा करेक्ट है। सेकंड क्या है, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम दी कंट्री, ये हमारा रॉन्ग है। इसका मेन एम क्या था कि इम्पोर्ट को कम करना। थर्ड क्या है, टू रिड्यूस इंडियास इम्पोर्ट बिल, ये हमारा करेक्ट है। फोर्थ क्या है, टू मीट दी टारगेट्स ऑफ रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो हमारा फर्स्ट सही है और थ्री सही है। तो हम देख लेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ने के साथ साथ ही फिगर बनाएंगे। पहले हम दो लाइन ड्रॉ कर लें, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अब क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन ट्रेवल्ड बाय कार 70 किलोमीटर टॉवर्स नॉर्थ टू ए। यहाँ से कोई पर्सन जा रहा है नॉर्थ में, ये पॉइंट ए है और कितना डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। फिर उसके बाद देन कवर्ड 30 किलोमीटर टर्निंग लेफ्ट टू बी, यहाँ से लेफ्ट जाएगा 30 किलोमीटर किसके पास, बी के पास। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हुई 30 किलोमीटर। फिर उसके बाद अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 110 किलोमीटर टू सी, अब यहाँ से लेफ्ट लेगा 110 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड। तो ये 110 किलोमीटर, यहाँ तक 70, फिर यहाँ तक 40, ठीक है फ्रेंड। 40 प्लस 70 ये हो गया टोटल 110, ये पॉइंट क्या है सी। फिर उसके बाद क्या है, देन ही साइकिल एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर टॉवर्स द स्टार्टिंग पॉइंट, अब यहाँ से यहाँ तक वो साइकिल से ट्रेवल करता है, उसकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम सी विल बी, सी से और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में ट्रेवल करने पे कितना टाइम ले रहा है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 40, ये 30, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है फ्रेंड। तो डिस्टेंस पता चल गई, ये आपको स्पीड दिया है, तो टाइम आप कैसे निकालेंगे, आप टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, स्पीड कितना है 10, तो आपका कितना आ जाएगा 5 आवर, ठीक है फ्रेंड। तो आपका आंसर कितना आ गया 5 आवर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट परचेसेस सम बुक्स फॉर रुपीज 1600, इफ ही हैड बॉट 8 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट ईच बुक वुड कॉस्ट रुपीज 10 लेस, The number of books he buys is। First statement में आपको क्या कह रहा है कि एक student 1600 में कुछ किताबें खरीदता है, तो per book का क्या price होगा, मान लीजिए वो X book खरीदता है, तो एक book का price 1600 upon X। अब second में क्या कह रहा है, अगर उसी amount में वो
आठ और किताबें बढ़ा देता है, तो पर बुक का जो प्राइस है वो 10 रुपये कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर इसे हम -1600 अपॉन एक्स प्लस 8 मीन्स जो पहले किताबें थी उसमें 8 बढ़ गया, तो ये इक्वल टू किसके होगा, 10 के। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या आएगा, आपका आ जाएगा इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपली इक्वेशन है, तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 32, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेज ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द रेडियस आर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वुडन क्यूब है और उसके एक फेस पे क्या डिप्रेशन है, हेमिस्फीयर। मान लीजिए इसके ऊपर वाले फेस पे हेमिस्फीयर डिप्रेशन है, ठीक है फ्रेंड, तो इसका साइड व्यू कैसे होगा, ये तो हो जाएगा स्क्वायर और इसका साइड व्यू ऐसे होगा। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो क्यूब के एज जितना होगा उसका हाफ होगा। मान लीजिए इसका क्यूब का एज हम मान लेते हैं 2r, तो इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, r, ठीक है फ्रेंड। अब आपसे पूरे जो रिमेनिंग सॉलिड है इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो अगर हम इस फेस को छोड़ दें तो इस क्यूब के कितने फेस बचे, 5, तो 5 फेस का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया 5 इंटू क्या होता है, एज स्क्वायर, एज कितना है 2r² मतलब 4r², तो सरफेस एरिया 1 कितना हो गया, 20r², ये सरफेस एरिया 1 है। अब इसके बाद हमको किसका सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, इस हेमिस्फीयर का, इसका कितना होता है 2πr², तो 2πr², ठीक है फ्रेंड। इसके साथ साथ हमको एक और सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, अगर इसका हम टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू कैसे आएगा, देखिए ये तो हो जाएगा हमारा स्क्वायर और यहाँ पे बीच में एक सर्किल होगा टॉप से देखेंगे, तो ये हो गया। अब ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला, इसका भी आपको सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। इसका आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप स्क्वायर का निकाल के उससे सर्किल का माइनस कर देंगे, तो सरफेस एरिया 3 कैसे निकलेगा हमारा, स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2r, ये 2r मतलब 4r² माइनस सर्किल का, सर्किल का कितना होता है एरिया, πr², ठीक है फ्रेंड। तो ये तीनों सरफेस एरिया आ गए, इसको अब अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, r² ब्रैकेट में पाई प्लस 24, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर पोर्शन इज एडेड टू हाफ ऑफ द लार्जर पोर्शन इट विल ऑलवेज बी लेस देन एल, दिस कैन बी अचीव्ड बाय टेकिंग लेंथ ऑफ द लार्जर पोर्शन मोर देन। सबसे पहले आप L लेंथ की एक रॉड ले लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है L, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक लार्ज एक स्मॉल। लार्ज को आप मान लेंगे X और स्मॉल को आप मान लेंगे Y। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 टाइम्स द स्मॉलर पोर्शन, स्मॉल कितना है Y, तो 5Y किससे ऐड करना है, लार्ज के हाफ से x/2, ये हमेशा किससे लेस होगा, L से लेस होगा, ठीक है फ्रेंड, ये हमारा इक्वेशन 1। अब x+y ये किसके इक्वल होगा, L के, यहाँ से y की वैल्यू L-x, इस वैल्यू को आपको
इस इक्वेशन में पुट करना होगा। तो देखिए क्या होगा, इसमें पुट करेंगे तो आप देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 5L माइनस 5X प्लस X बाई 2 लेस देन L माइनस 9 बाई 2 X लेस देन माइनस 4L। माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब X ग्रेटर देन 8 बाई 9 L मीन्स X की वैल्यू L से कितनी ज़्यादा है, 8 बाई 9। ठीक है फ्रेंड, अब आप सारे ऑप्शन को चेक कर लेंगे, सिर्फ ऑप्शन ए ही 9 बाई 10 इस वैल्यू से ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बी सी और डी इस वैल्यू से कम होंगे। ठीक है फ्रेंड, इससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड गुड फॉर अ ट्रेन विच क्रॉसेस द ब्रिज ऑफ लेंथ एल इन टाइम टी वन एंड क्रॉसेस अनदर ब्रिज ऑफ लेंथ एल बाई टू इन टाइम टी टू। एज्यूम कर लीजिए कि ट्रेन की लेंथ एक्स है, तो कंडीशन फर्स्ट में क्या दिया है कि एल लेंथ के ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रहा है, टी वन। तो टी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ अपॉन में ट्रेन की वेलोसिटी, मान लीजिए वी है। अब कंडीशन टू क्या दे रहा है, टी टू क्या है, ये ट्रेन की लेंथ है प्लस ब्रिज की, इस बार ब्रिज की कितनी लेंथ है, एल बाई टू अपॉन में ट्रेन की वेलोसिटी। इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टी टू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में टी वन प्लस एक्स अपॉन ट्रेन की वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि टी टू किसका हाफ है, टी वन का हाफ है प्लस साथ में ये वाला टर्म है। ठीक है फ्रेंड, तो 1 हमारा सही नहीं होगा। सेकंड क्या है, सेकंड आपको दिया है 2t2 ग्रेटर देन t1 मीन्स t2 की जो वैल्यू है वो t1 बाई 2 से भी ज़्यादा है, जो कि जो आप सिंप्लीफाई किए हैं उसमें भी यही दिखा रहा है, तो सेकंड आपका करेक्ट होगा। थर्ड क्या है, थर्ड आपका दिया है t2 लेस देन t1 बाई t2, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब सेकंड सही है। अब हम फोर्थ देखेंगे, सेकंड सही है। फोर्थ क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज एल बाई टू इफ t1 माइनस t2 इक्वल टू 5। तो t1 माइनस t2 आप करेंगे तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, t1 की वैल्यू क्या थी, इसकी थी l प्लस एक्स बाई वी, और t2 की वैल्यू क्या थी, l बाई टू प्लस एक्स बाई वी। ठीक है फ्रेंड, अब आपसे कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड अगर हम l बाई टू रख लें, ठीक है फ्रेंड, तो l बाई टू अगर हम रख लेंगे तो t1 माइनस t2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5। तो अगर आप v की वैल्यू यहाँ पे l बाई 10 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका t1 माइनस t2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब सेकंड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। तो हम देख लेंगे इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 2 and 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टूरिस्ट कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट 60 km/h, हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाय बस एट 30 km/h एंड द रेस्ट बाय साइकिल एट 10 km/h, एवरेज स्पीड ऑफ द टूरिस्ट ड्यूरिंग हिज जर्नी। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस ये डी है, अब इसका हाफ कितना होगा, डी बाई टू, उसमें कितनी स्पीड है, 60 km/h, अब कितना बचा, डी बाई टू।
अब इस जो रिमाइंडर बचा है उसका हाफ किससे कवर कर रहा है, बस से, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा डी बाई फोर। स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, ये हमारी डी बाई फोर। ये किससे कवर कर रहा है, ये साइकिल से कितना 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कितना है डी अपॉन टोटल टाइम। तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, टी वन कितना होगा डी बाई टू अपॉन में 60, टी टू कितना होगा डी बाई फोर अपॉन में 30, फिर टी थ्री कितना होगा डी बाई फोर अपॉन में 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखें क्या आता है। ये डी अपॉन में डी बाई टू अपॉन में 60 प्लस डी बाई फोर अपॉन में 30 प्लस डी बाई फोर अपॉन में 10। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लेक द टिप ऑफ अ बर्ड ऑफ लोटस इज सीन 10 सेंटीमीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, फोर्स्ड बाय द विंड इट ग्रेजुअली मूव्ड एंड जस्ट समर्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, द डेप्थ ऑफ वाटर एट द रूट ऑफ द लोटस प्लांट विल बी। ये वाटर का सरफेस है, ये लोटस प्लांट का रूट है और यहाँ से ये प्लांट ऊपर आया है, ये इसका बर्ड है, बर्ड। इसकी डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया है सरफेस से। अब आपसे कह रहा है कि एक हवा का झोंका आया जिससे ये लोटस क्या हो गया, ये ग्रेजुअली मूव हो गया और पानी में सबमर्ज हो गया यहाँ तक, ऐसे, ठीक है फ्रेंड। और ये डिस्टेंस कितनी दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। अब आपसे कौन सी डिस्टेंस पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि द डेप्थ ऑफ वाटर एट द रूट ऑफ द लोटस प्लांट विल बी, आपसे प्लांट की डेप्थ पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड, ये डी की वैल्यू। अब ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी, ये वाली डिस्टेंस हमारी डी प्लस 10, डी प्लस 10, ये इसको ऐड करेंगे, ठीक है फ्रेंड, ये पूरा ही होगा ना डी प्लस 10। अब पाइथागोरस थ्योरम से डी प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। अब ये सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर ₹7600 देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द चेयर एंड 10% ऑन द टेबल by selling them together for ₹7500 he would make a profit of 10% on the chair and 20% on the table, then the cost price of chair and table will be। आपसे इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रहा है, फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस कितना है 7600, ये सेलिंग प्राइस तब आया है जब हमको चेयर पे कितना प्रॉफिट मिला है, मान लीजिए चेयर का प्राइस एक्स है और टेबल का प्राइस वाई है, तो फर्स्ट केस में चेयर के प्राइस पे हमको 25% का प्रॉफिट मिल रहा है, मीन्स एक्स इंटू 1.25, फिर टेबल पे कितना मिल रहा है, टेबल पे हमको 10% मीन्स 1.1y। ये तो फर्स्ट केस है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है, सेकेंड केस में सेलिंग प्राइस कितना है 7500 इक्वल टू, अब
चेयर पे प्रॉफिट कितना है 10%, तो x इंटू 1.1 प्लस फिर टेबल पे कितना है 20% y इंटू 1.2। यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 300 और y की वैल्यू आ जाएगी 3500। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन ए बी सी डी है, इसमें जो कॉस्ट प्राइस है आप बारी बारी से x और y जगह पुट कर देंगे, अगर ये वैल्यू दोनों में आ गई तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टू कंसेंट्रिक सर्किल्स अ कॉर्ड लेंथ 80 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्किल बिकम्स अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल हुज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल विल बी। आपसे कह रहा है दो कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, एक लार्ज सर्किल है, एक स्मॉल सर्किल, तो पहले हम लार्ज बना लेंगे फिर हम स्मॉल बना लेंगे, इन दोनों सर्किल का सेंटर क्या है, सेम है। अब आपसे कह रहा है कि जो कॉर्ड है लार्ज सर्किल की वो स्मॉल सर्किल का टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट है हो गया। अब अगर हम स्मॉल सर्किल का जो सेंटर है उससे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये लेंथ कितनी थी पहले 80 सेंटीमीटर, अब डिवाइड हो गई तो ये 40 फिर ये 40। ठीक है फ्रेंड, और स्मॉल सर्किल का रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। अब आपसे लार्ज सर्किल का रेडियस पूछ रहा है तो आप इजीली निकाल लेंगे, ये 40 है ये 9 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा आपका, आर इक्वल टू अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ गया 41 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल्स हु ब्रीच द ड्यूटी ऑफ केयर आर लियाबल फॉर इंजरीज देयर नेग्लिजेंस कॉसेस दिस लियाबिलिटी इज कॉमनली रिफर्ड एज। अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन जैसे कि डॉक्टर, अकाउंटेंट या फिर कोई लॉयर अपनी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाता, मीन्स अगर वो कोई रूल का वॉयलेशन करता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल माल प्रैक्टिसेस। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरा केस क्या है, अगर उसकी ये गलती किसी दूसरे पर्सन पर अनइंटेंडेड हार्म पहुँचाए तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। ठीक है फ्रेंड, जैसे एग्जांपल के लिए कोई डॉक्टर अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है तो उसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन यूज्ड इन अ बिजनेस जनरली अननोन टू द पब्लिक दैट द कंपनी हैज टेकन स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू कीप कॉन्फिडेंशियल इज कॉल्ड, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी आर ट्रेड सीक्रेट। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कि पब्लिक से शेयर नहीं की जाती है, और ट्रेड सीक्रेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई कंपनी कोई वैक्सीन बनाती है तो उस वैक्सीन में क्या क्या एलिमेंट का यूज़ हो रहा है, वो एक ट्रेड सीक्रेट होता है। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा एग्जांपल है क्या, यूट्यूब की एल्गोरिथम जिससे यूट्यूब रन करता है वो किसी को नहीं बताता है। ठीक है फ्रेंड, अब ऑप्शन ए पेटेंट क्या होता है, पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो भी किसी भी तरह के इन्वेंशन या फिर डिज़ाइन पर लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, सेकंड क्या है, कॉपीराइट किसी भी तरह के म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेचर, नोवल पे लिया जाता है। फिर फोर्थ क्या है, ट्रेडमार्क किसी भी कंपनी या फिर प्रोडक्ट का एक सिंबल होता है या फिर लोगो होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है।
और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी, आर ट्रेड सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कमेटी ऑफ फोर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अमंग फोर गर्ल्स एंड फाइव बॉयज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव नंबर ऑफ बॉयज लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स कितनी हैं, फोर हैं, और बॉयज़ कितनी हैं, फाइव हैं, टोटल कितने हो गए, नौ। नौ पर्सन से आपको फोर को सेलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड। और सेलेक्ट करने की कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ बॉयज लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो पहली कंडीशन क्या होगी, अगर हम फोर गर्ल्स में से थ्री को सेलेक्ट करें, फोर सी थ्री, और बॉयज में से एक को सेलेक्ट करें, फाइव सी वन, तो थ्री प्लस वन फोर पर्सन हमारा हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, फोर गर्ल्स में से फोर को सेलेक्ट कर लें और बॉयज़ में से किसी को सेलेक्ट ना करें, ठीक है फैन। तो यहाँ से भी हमारा फोर प्लस जीरो कितना हो गया, फोर, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा नाइन सी फोर क्या है, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्शन, ठीक है फैन। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, फोर सी थ्री इंटू फाइव सी वन प्लस फोर सी फोर इंटू फाइव सी ज़ीरो अपॉन में टोटल कितना है सिलेक्शन का केस, ये है नाइन सी फोर, नाइन सी फोर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वन बाई सिक्स, ठीक है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू टू डेल यू बाई डेल टी प्लस यू, वेयर यू, यू किसका फंक्शन होगा, एक्स का होगा और टी का होगा। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ रही है, सिक्स ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स। अगर आप ऑप्शन से चेक करें और ये कंडीशन प्रूव कर दें, मीन्स आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है, ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स है, लेकिन ऑप्शन बी में ई टू द पावर माइनस टू एक्स दिया है, तो ये पहले ही कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम एल एच एस की वैल्यू तीनों में ए सी और बी में फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ए में क्या आ रहा है, ए में हमारा एल एच एस की वैल्यू देखिए माइनस एटीन ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स प्लस टी। फिर सी में देखिए क्या आ रहा है, सी में हमारा माइनस एटीन ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स प्लस टू टी। डी में क्या आएगा, डी में भी सेम आएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस थ्री एक्स, सॉरी जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि हम माइनस देखिए माइनस टू टी, ठीक है फ्रेंड। तो एल एच एस में हमारा माइनस एटीन तीनों में आ रहा है और फंक्शन, ठीक है फ्रेंड। अब इसको हम एल एच एस तो आ गया, अब हम आर एच एस फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। देखिए क्या आ रहा है, टू इंटू डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू। इसको हम टी के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, सिक्स ई टू द पावर जो फंक्शन होगा, फंक्शन मतलब ये इंटू टू है, यहाँ टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस यू, ये पूरा टर्म ऐड होगा फिर से, मतलब कि सिक्स, तो यहाँ पे ट्वेल्व प्लस एटीन, ये भी प्लस में है, ठीक है फ्रेंड, प्लस में, और ये फंक्शन ये प्लस में है और एल एच एस माइनस में, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। हम सी देखेंगे, सी में देखिए यहाँ पे सिक्स इंटू टू, ये हमारा क्या आ गया, ट्वेल्व प्लस टू, ये टू जो मल्टीप्लाई है तो टू, फिर ई टू द पावर जो फंक्शन होगा, फिर प्लस यू, यू पूरा हमारा यही होगा, तो ये देखिए क्या आ गया, सिक्स, मतलब ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स कितना, थर्टी, ई टू द पावर जो फंक्शन होगा, ये माइनस एटीन के इक्वल नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डी क्योंकि लास्ट बचा तो हमारा यही आंसर होगा। इसको हम देख भी सकते हैं, इसको अगर हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से
12, यहाँ माइनस होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो माइनस 12 इंटू टू, तो माइनस 24 ई टू द पावर माइनस जो फंक्शन है, प्लस यहाँ पे यू, यू क्या है, यही है, तो प्लस 6 ई टू द पावर माइनस जो फंक्शन होगा, तो इस ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 18 ई टू द पावर जो फंक्शन होगा, ठीक है फ्रेंड। माइनस 18 क्या राइट हैंड साइड में भी है और लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसे आप एक बार रिवर्स करके भी देख सकते हैं, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉची रेमैन इक्वेशंस इज, कॉची रेमैन इक्वेशन क्या होता है, फंक्शन आर ए टू द पावर आई थीटा इक्वल टू यू प्लस आई वी, इसको हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए क्या होगा, एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर, ये हमारा इक्वेशन वन हो गया। अब इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए क्या आएगा, एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा, अब इसमें आर के साथ साथ आई भी बाहर आएगा, आई आर ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन वन से एफ डैश आर इंटू ई की पावर थीटा इंटू ई की पावर थीटा की वैल्यू हम ये पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन सेकंड में, तो देखिए यहाँ पे आई आर टर्म बाहर निकल आएगा, आई आर और ये फंक्शन पूरा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब यहाँ से आई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे आई डेल यू अपॉन डेल आर, यहाँ पे आई इंटू आई कितना क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो माइनस वन डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू किसके होगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा, यहाँ से डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारी, वन बाई आर डेल वी अपॉन डेल थीटा के, और डेल वी अपॉन डेल आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वन बाई माइनस वन बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा, ठीक है फ्रेंड। तो ये वैल्यू हमारी पोलर फॉर्म में आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एफ जेड हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर एन एट जेड इक्वल टू ए, देन रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड एट ए, अगर एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन हो और उसका हमको पोल पता हो तो हम रेसिड्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा, ये क्या है, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट पोल ए इक्वल टू वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल ब्रैकेट में डी एन माइनस वन अपॉन डी जेड एन माइनस वन ब्रैकेट में जेड माइनस ए की पावर एन इंटू एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए, ठीक है फ्रेंड। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग डायग्राम, ए सी इज अ डायमीटर ऑफ द लार्ज सर्किल एंड ए बी इक्वल टू बी सी, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द लार्ज सर्किल टू द स्मॉल सर्किल ऑफ अ स्क्वायर इज, ये स्क्वायर है ए बी सी डी, यहाँ पे आपको ए बी इक्वल टू बी सी दिया है, मान लीजिए लेंथ हम एक्स मान लेते हैं, एक्स
तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा, डायगोनल हमारा एक्स रूट टू। स्क्वायर का डायगोनल और ये लार्ज सर्किल का डायमीटर दोनों इक्वल होगा, तो लार्ज सर्किल का रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल टू डायमीटर कितना है जो कि स्क्वायर का डायगोनल है, ये हमारा एक्स रूट टू अपॉन में टू, ये हमारा आ गया एक्स बाई रूट टू, ये लार्ज सर्किल का रेडियस है। स्मॉल कैसे फाइंड करेंगे, स्मॉल का हम देखिए, अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और ये स्क्वायर की एक साइड है और स्मॉल सर्किल का टेंजेंट भी है, तो टेंजेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये क्या होगी एक्स बाई टू और ये भी क्या होगी एक्स बाई टू। यहाँ से भी देखेंगे तो ये भी हमारी क्या होगी एक्स बाई टू और ये भी हमारी एक्स बाई टू। ये हमारा देखिए एक छोटा सा स्क्वायर बन रहा है जिसकी जो लेंथ है चारों वो एक्स बाई टू है और ये स्मॉल सर्किल का रेडियस भी होगा, ठीक है फ्रेंड। तो स्मॉल सर्किल का रेडियस क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया एक्स बाई टू। अब हम दोनों का क्या फाइंड करेंगे, एरिया। सबसे पहले लार्ज का, एरिया ऑफ लार्ज सर्किल पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है एक्स बाई रूट टू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में टू। फिर स्मॉल का एरिया पाई इंटू रेडियस कितनी है एक्स बाई टू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर। इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो आपका रेशियो क्या आएगा, लार्ज टू स्मॉल, तो ये हमारा आ जाएगा टू बाई वन, मीन्स टू रेशियो वन, ठीक है फ्रेंड। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रिफर्स टू अ सिंगल पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू ओवरसी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इन्वेंट्री डिसलोकेशन एंड सेल्स। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन होता है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उसके ऑल स्टेज में होने वाले प्लानिंग, फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन और मार्केटिंग को डील किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसे आप याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन होता है जिसमें नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस का यूज़ करके किसी भी स्पेसिफाई प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। फिर सी क्या है, कमर्शियल मैनेजमेंट। इसमें हम किसी भी बिजनेस के ग्रोथ और प्रॉफिट को मॉनिटर करते हैं, ठीक है फ्रेंड, जिससे कि बिजनेस पोटेंशियल मैक्सिमम हो सके। फिर हमारा वेंचर मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि मार्केट में होने वाले वेरिएशन, ठीक है फ्रेंड, उन वेरिएशन को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को टाइम टाइम पे चेंज करना और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ साथ प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बढ़ाना ताकि मार्केट में कम्पीट कर सके, ठीक है फ्रेंड। तो ये चारों ही आप अच्छे से याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोवेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स। ये आपको मैट्रिक्स दिया है, ये वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर। इसको आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा 4 - λ2 1 - 3 - λ। इसको आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे 0 के इक्वल करके, तो लैम्डा की वैल्यू एक 2 आ जाएगी, एक 5 आ जाएगी। तो आपसे लोवेस्ट पूछा है, तो लोवेस्ट कितना है 2, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, मोबाइल क्रेन्स आर सोफिस्टिकेटेड मशीन्स विच आर डिज़ाइंड फॉर लिफ्टिंग एफिशिएंटली। मोबाइल क्रेन का मोटो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एफिशिएंटली लिफ्ट करना, तो वन हमारा करेक्ट है। अब सेकंड क्या है, मोबाइल क्रेन्स
आर आ वर्सेटाइल एंड रिलायबल मीन्स ऑफ लिफ्टिंग ऑन साइट। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? बहुत तरह के काम करने वाला। और रिलायबल का मतलब क्या होता है? ट्रस्टवर्दी या भरोसेमंद। तो सेकंड भी हमारा करेक्ट होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर पोर्टेबल स्टेप लैडर्स। पोर्टेबल स्टेप लैडर्स के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं? फर्स्ट क्या है? यूज्ड ऑन वर्किंग प्लेटफॉर्म्स टू गेन हाइट अबव द प्रोटेक्टेड एज। पोर्टेबल स्टेप लैडर ज़्यादा हाइट के लिए नहीं यूज होता, ये लगभग 3 से 5 फीट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट हमारा वन है वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड क्या है? यूज्ड इन अ फुल्ली ओपन पोजीशन। पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर कुछ ऐसे होता है, इसका फिगर यहाँ से ऐसे, जिसके स्टेप होंगे और ये इसका टॉप रैंग होगा। ठीक है फ्रेंड, ये ठीक है फ्रेंड, इसको हम फुल्ली ओपन पोजीशन पे इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, और ये ज़्यादा लोड के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा लोड के लिए इस्तेमाल नहीं होता। थर्ड क्या है? शुड बी ऑफ अ लेंथ दैट इंश्योर्स अ पर्सन फीट आर नॉट पोजिशन एनी हायर देन द सेकेंड टॉप रैंक। क्या है? ये टॉप रैंक है, अगर इससे ज़्यादा मतलब यहाँ अगर पैर कोई रख देगा तो ये क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो स्टेटमेंट थर्ड भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है और थर्ड। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिपीट यूनिट स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर होता है? ये हमारा स्ट्रक्चर होता है पॉली एक्रिलो नाइट्रिल। ठीक है फ्रेंड, तो हम ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉली एक्रिलो नाइट्रिल। ऑप्शन ए पॉली एमाइड, ऑप्शन सी पॉली ब्यूटाडाइन और ऑप्शन डी पॉली एथिलीन का भी स्ट्रक्चर आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज आर करेक्ट फॉर यूजिंग मोबाइल इक्विपमेंट वर्किंग प्लेटफॉर्म MEWP। फर्स्ट क्या है? टायर्स आर प्रॉपरली इन्फ्लेटेड एंड एयर फील्ड। अगर टायर में प्रॉपरली एयर फील्ड होगी तो लोड को कैरी करने में और लोकेट करने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड, तो वन हमारा करेक्ट है। सेकंड क्या है? SWL टू बी मार्क्ड इन प्लेटफॉर्म्स एज आइडेंटिफिकेशन फॉर कैरिंग लोड। SWL का फुल फॉर्म क्या होता है? सेफ वर्किंग लोड। ठीक है फ्रेंड, सेफ वर्किंग लोड। SWL से हमको ये पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट या मास कितना है, ताकि लिफ्टिंग मशीन उसे सेफली कैरी कर सके। तो सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मींस बोथ करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाय नॉट परमिटिंग हार्मफुल रेडिएशंस प्रेजेंट इन द सनलाइट टू पेनिट्रेट थ्रू इट। ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। ओजोन लेयर कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन लेयर की थिकनेस हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? उसकी यूनिट क्या है? डॉप्सन यूनिट, इसको आप याद रखिएगा। अब ओजोन लेयर कैसे फॉर्म हुई है? तो सबसे पहले सन की अल्ट्रा वायलेट रेस O2 मॉलिक्यूल पर स्ट्राइक करती हैं, उसे दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर यही जो O2 एटम है
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ओजोन। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोलर अल्ट्रावायलेट रेज ऑन ऑक्सीजन O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी इंसर्ट कमांड ये यूज इन ऑटोकैड टू इंसर्ट। ऑटोकैड में इंसर्ट कमांड का यूज़ हम क्या इंसर्ट करने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, ब्लॉक्स एंड डब्ल्यू ब्लॉक्स इन दी करेंट ड्राइंग। ब्लॉक्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स कोई भी शेप जैसे सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कोई पॉलीगन हो गया, ये सब इंसर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हम डब्ल्यू ब्लॉक्स को भी। अब ये डब्ल्यू ब्लॉक्स क्या है, अगर हमको अपनी करंट ड्राइंग में कोई पुरानी ड्राइंग इंसर्ट करनी होती है, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, डॉट डी डब्ल्यू जी या फिर डॉट डी एक्स टी। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों फाइल एक्सटेंशन की फाइलें हम अपनी करंट ड्राइंग में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कट बाय अ प्लेन इंक्लाइंड टू द एक्सिस एंड पैरेलल टू वन ऑफ इट्स जनरेटर्स, दिस सेक्शनल व्यू विल बी। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक कोन रेस्ट कंडीशन पे है, ये कोन हो गया हमारा और ये उसका एक्सिस है, इस कोन को कट किया जाता है और उसका कटिंग जो एक्सिस है वो किसके इंक्लाइंड है, कोन के एक्सिस के, तो ये कटिंग प्लेन हमारा है एक्स एक्स। अब कंडीशन ये भी कह रहा है कि कटिंग प्लेन जो है वो जनरेटर के पैरेलल भी होना चाहिए, तो सबसे पहले हम कोन का जनरेटर देखेंगे कहाँ होता है, ये कोन है, ये जो लाइन होगी ऐसे, ये सब क्या है, ये कोन का जनरेटर है जिससे कि कोन बन रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम इस जनरेटर के पैरेलल पे कट करेंगे तो हमारा फिगर कुछ ऐसे बनेगा, देखिए ये कटिंग प्लेन ऐसे होगा, इसको अगर हम कट करें तो कुछ ऐसे कट होगा, देखिए ये और ये, तो शेप हमारा कैसे बनेगा, एक पैराबोला की तरह। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पैराबोला। अगर हम ये कहते हैं कि जो कटिंग प्लेन है वो इंक्लाइन है लेकिन जनरेटर के पैरेलल नहीं है, तब हमारा क्या बनता, तब हमारा इलिप्स बनता, इलिप्स। ठीक है फ्रेंड, और अगर कहता कि जो कटिंग प्लेन है वो एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्सिस, तो ये कटिंग प्लेन हमारा होता, तो उस कंडीशन में क्या बनता, उस कंडीशन पे हाइपरबोला बनता, हाइपरबोला। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में कहता कि कटिंग प्लेन किसके पैरेलल है, बेस के पैरेलल होता, तो कटिंग प्लेन ये होता, तब हमारा क्या बनता, एक सर्किल बनता, सर्किल। तो ये भी कंडीशंस आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, फर्स्ट है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, सेकंड है नॉलेज ऑफ द थ्योरी ऑफ वेरिएशन, थर्ड है नॉलेज ऑफ प्रोसेस, फोर है नॉलेज ऑफ द सिस्टम एंड द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। विच ऑफ द अबव कंपोनेंट्स कंप्राइज द बेसिस ऑफ डीमिंग सिस्टम्स ऑफ प्रोफाइंड नॉलेज, डीमिंग सिस्टम्स ऑफ प्रोफाइंड नॉलेज को पहले हम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते थे। ठीक है फ्रेंड, और बाद में जिसका नाम बदल के क्या हो गया, डीमिंग सिस्टम्स ऑफ प्रोफाइंड नॉलेज। डीमिंग सिस्टम्स ऑफ प्रोफाइंड नॉलेज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की एक फिलॉसफी है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी, लीडरशिप और मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाता है। और इस प्रोफाइंड नॉलेज के
चार इंटर रिलेटेड एरियाज हैं। पहला क्या है? पहला हमारा है नॉलेज ऑफ सिस्टम एंड द एप्रिशिएशन ऑफ अ सिस्टम। फिर सेकंड क्या है? नॉलेज ऑफ वेरिएशन। थर्ड क्या है? थ्योरी ऑफ नॉलेज। और लास्ट फोर क्या है? नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सॉरी कंपोनेंट्स वन सेकंड और फोर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, थर्ड यहाँ पे नहीं होगा। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, ग्रीनफील्ड प्राइवेटाइजेशन और इंक्रीमेंटल प्राइवेटाइजेशन डिनोट्स इनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर इन एरियाज हिथरटू। हिथरटू का मतलब होता है अभी तक या अंटिल नाउ रिजर्व फॉर पब्लिक इंटरप्राइजेस। ये हमारा करेक्ट है। ग्रीनफील्ड प्राइवेटाइजेशन या फिर इंक्रीमेंटल प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करती है कि वो पब्लिक सेक्टर में आए, पब्लिक सेक्टर में आए और कंपीट करें। ठीक है फ्रेंड, जो कि अभी तक किसके लिए रिजर्व था? पब्लिक इंटरप्राइजेस के लिए। जैसे एग्जांपल ऑयल सेक्टर, ऑयल सेक्टर पहले किसके लिए रिजर्व था? जितनी PSUs हैं जैसे ONGC, BPCL, HPCL, ये सब के लिए रिजर्व था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया है कि वो ऑयल सेक्टर में आए और कंपीट करें। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, एसर ग्रुप हो गया, ये सब प्राइवेट कंपनी है। ठीक है फ्रेंड, तो वन हमारा करेक्ट है। अब हम सेकंड देखेंगे, कोल प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू मेजर्स टेकन टू डिस्टेंस पब्लिक इंटरप्राइजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोल प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं वो प्राइवेट इंटरप्राइज की तरह वर्क करने लगती हैं, जिसमें गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनियों के बीच में एक MOU साइन होता है, जिसके कारण पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उनकी ऑटोनॉमी बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, जैसे एग्जांपल के लिए पेट्रोलियम का प्राइस अभी गवर्नमेंट और PSUs तय करते हैं, लेकिन अगर PSUs की ऑटोनॉमी बढ़ जाए, मीन्स उसका कोल प्राइवेटाइजेशन हो जाए, तो पेट्रोलियम का प्राइस कौन डिसाइड करेगा? PSUs। ठीक है फ्रेंड, तो स्टेटमेंट टू भी हमारा यहाँ करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट साइकिल। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट साइकिल के चार स्टेप्स होते हैं। पहला क्या है? आइडेंटिफाई। इसमें कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती है और कस्टमर से फीडबैक लेती है कि उनकी नेसेसिटी क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? एनालाइज। इसमें कंपनी उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन को एनालिसिस करती है, फिर बाद में उसी डिज़ाइन को डेवलप करती और बाद में सबसे लास्ट स्टेप्स क्या है? उसको लेबोरेटरी में चेक करती है या टेस्ट करती है। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेंगे हमारा कौन कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा। फर्स्ट क्या है? सेल इट इन द मार्केट, ये हमारा करेक्ट है। सेकंड क्या है? डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड क्या है? डिज़ाइन द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स, ये भी करेक्ट है। फोर्थ क्या है? टेस्ट इट इन द लेबोरेटरी, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो चारों ही पॉइंट हमारे करेक्ट हैं। तो देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग डॉक्यूमेंटिंग एंड मेंटेनिंग प्रोसीजर फॉर पोस्ट प्रोडक्शन हैंडलिंग फंक्शंस सच एज स्टोरेज पैकेजिंग एंड डिलीवरी। प्रोडक्ट के बन जाने के बाद
उसके स्टोरेज, पैकेजिंग और डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वेंडर की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वेंडर। प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाना। मार्केटिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना। फिर क्वालिटी सुपरविजन, इसका प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ यूनिट प्रोड्यूसेस पैकिंग बॉक्सेस आउट ऑफ आवरली प्रोडक्शन ऑफ 4000 बॉक्सेस 20 वर फाउंड टू बी नॉन कन्फर्मिंग इफ द इंस्पेक्टर रैंडमली चूजेस अ बॉक्स फ्रॉम एन आवर्स प्रोडक्शन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग नॉन कन्फर्मिंग इज। ठीक है फ्रेंड, तो आवरली प्रोडक्शन कितना है बॉक्सेस का? 4000 बॉक्सेस, और इसमें नॉन कन्फर्मिंग कितना है? नॉन कन्फर्मिंग ये है 20 बॉक्सेस। तो नॉन कन्फर्मिंग बॉक्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 20/4000। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.005, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेवेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग क्वालिटी इन सर्विस सेक्टर। वन है टाइमलाइनेस ऑफ सर्विस। टाइमलाइनेस ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है कि कोई भी सर्विस एक पर्टिकुलर टाइम में प्रोवाइड होनी चाहिए, उसमें कोई लेट नहीं होना चाहिए। तो वन हमारा करेक्ट है। सेकंड क्या है? कस्टमर पार्टिसिपेशन। कस्टमर पार्टिसिपेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें कस्टमर का फीडबैक चाहिए होता है, और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए हम कस्टमर्स को कस्टमाइज सर्विस दे सकते हैं। इसका मतलब सेकंड भी हमारा करेक्ट है। थर्ड क्या है? कंपनी पर्सनल मोटिवेशन। कंपनी पर्सनल मोटिवेशन में हम टाइम टाइम पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, और जो एम्प्लॉय होते हैं उनको कई बार अवार्ड भी देते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है। फोर क्या है? कंपनी कल्चर, मींस कंपनी अपनी सर्विस किस तरह प्रोवाइड कराती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी रेस्टोरेंट पे जाइए, फिर उसके बाद किसी आप ढाबे में जाइए, तो दोनों का कल्चर अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड, तो फोर भी हमारा करेक्ट है। तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स कैन बी रीसॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू चेक द स्ट्रक्चरल साउंडनेस कन्फॉर्मेंस टू द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स व्हेन ऑल अदर टेस्ट फेल। जब सारे टेस्ट फेल हो जाते हैं तो किस टेस्ट का हम यूज़ करते हैं? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, फुल स्केल लोड टेस्ट। फुल स्केल लोड टेस्ट को हम पीक लोड टेस्ट भी कहते हैं। फुल स्केल लोड टेस्ट में हम किसी भी स्ट्रक्चर की मैक्सिमम कैपेसिटी चेक करते हैं। ऑप्शन डी मसनरी टेस्ट, मसनरी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के द्वारा किया जाता है। ये टेस्ट सिर्फ मसनरी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका करता है। इस टेस्ट में डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी होती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी होती है, और विजुअल टेस्टिंग भी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ वेरिएशन इन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वर्क में क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को वेरी करने के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं? वन है मटेरियल। मटेरियल कैसे क्वालिटी कंट्रोल को वेरी करता है? मान लीजिए किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में हम जो ईंट का इस्तेमाल करते हैं, एक ईंट होती है एक नंबर जो कि अच्छी होती है, और एक ईंट होती है तीन नंबर जो कि सबसे ख़राब होती है। अगर हम एक नंबर ईंट का यूज़ करेंगे तो कंस्ट्रक्शन वर्क की क्वालिटी अच्छी होगी। तो मतलब ये क्या है? वेरी कर रहा है। तो वन हमारा करेक्ट है। सेकेंड क्या है? ऑपरेटर। कंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेटर होता है अगर सही से काम करेगा तो कंस्ट्रक्शन वर्क की क्वालिटी क्या होगी? इम्प्रूव होगी। अगर वही ऑपरेटर अपना काम सही से नहीं करेगा तो क्वालिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, मतलब वो वेरी कर रहा है।
तो सेकंड ऑपरेटर भी हमारा करेक्ट है। थर्ड क्या है, इंस्पेक्शन एक्टिविटी, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क की क्वालिटी चेक करना, ठीक है फ्रेंड, कि सही बना है कि नहीं, तो ये भी हमारा क्या करेगा, क्वालिटी को वेरी करेगा, तो थर्ड भी हमारा करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रेक इवन सेल फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ आपको तीन प्रोडक्ट दिए गए हैं, ए बी और सी। तीनों प्रोडक्ट का सेल्स दिया गया है, यूनिट सेलिंग प्राइस दिया गया है और यूनिट वेरिएबल प्राइस दिया गया है, और फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹20,000, ठीक है फ्रेंड। तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस, ठीक है फ्रेंड। तो प्रोडक्ट वन के लिए क्या होगा, 5,000, फिर तीनों का समेशन कितना है, 15,000, फिर प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस 10, यहाँ पे 10। इस तरह प्रोडक्ट बी के लिए हम लिख लेंगे 6,000 अपॉन में 15,000 इंटू क्या होगा, 15, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह प्रोडक्ट सी के लिए कितना हो जाएगा, 4,000 अपॉन में तीनों प्रोडक्ट का इंटू 18। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या जाएगा, 14.133, ठीक है फ्रेंड। ये तो आपका क्या आ गया, वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, वेटेड एवरेज वेरिएबल प्राइस, ठीक है फ्रेंड। ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं कितना है, 14.13। अब हमको वेटेड एवरेज वेरिएबल प्राइस फाइंड आउट करना है, तो जैसे हमने सेलिंग का किया वैसे ही वेरिएबल का करेंगे। तो देखिए इसके लिए कितना होगा, 5,000, फिर वही नीचे 15,000, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 प्लस, फिर उसी तरह 6,000 अपॉन में 15,000 इंटू 4, यहाँ पे इंटू 4। इसी तरह प्रोडक्ट सी के लिए 4,000 अपॉन में 15,000 फिर इंटू 13। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7.06। ये आपका क्या आ गया, वेटेड एवरेज वेरिएबल प्राइस। तो दोनों वैल्यू आपके फाइंड आउट हो गई, तो ब्रेक इवन पॉइंट आसानी से निकल जाएगा। कितना होगा ब्रेक इवन पॉइंट, ये क्या होता है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस माइनस वेटेड एवरेज वेरिएबल प्राइस। तो सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ये होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 20,000 अपॉन में वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस, ये कितना आया था, ये आया था 14.133 माइनस वेटेड एवरेज वेरिएबल प्राइस, ये कितना था, 7.067। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2831। ये आपका यूनिट में आया, यूनिट्स में, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो रुपीज़ में दिए गए हैं, तो इसको रुपीज़ में आप कैसे निकालेंगे, इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस से। तो 2831 इंटू 14.133, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 40,000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ₹40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस आर करेक्ट रिगार्डिंग टोटल क्वालिटी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में प्रोडक्ट के डिफेक्ट को मिनिमाइज करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन को और इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का हर एक इंडिविजुअल पार्ट लेता है, चाहे वो लीडर हो या एम्प्लॉय हो।
अब हम देख लेते हैं हमारा पॉइंट क्या क्या दिया गया है। पॉइंट वन क्या है, अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, ये हमारा करेक्ट है क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मेन मोटो यही रहता है कि क्वालिटी को और इम्प्रूव करना। सेकंड क्या है, एडॉप्शन रिक्वायर्स लिटिल चेंज, ये हमारा रॉन्ग हुआ क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में लिटिल चेंज नहीं होता, पूरा ओवरऑल चेंज होता है जिसमें कंपनी का कल्चर और मैनेजमेंट पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन टू हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। थ्री क्या है, रिएक्ट टू कम्पिटिटिव थ्रेट्स, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है जो कि हेल्प करता है किसके लिए, कम्पिटिटिव थ्रेट के लिए। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मीन्स वन सही है और थ्री सही है। तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंस्ट्रेंट्स टू द यूज ऑफ TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। वन है आर ट्रांजिएंट लेबर फोर्स, अगर लेबर टाइमली वर्क करेंगे तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वन हमारा करेक्ट है। सेकंड क्या है, द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज रिलेटिवली शॉर्ट इन ड्यूरेशन, ये भी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क रिलेटिवली शॉर्ट होना चाहिए, अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो कॉस्ट ज़्यादा होगी तो इसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। फिर थर्ड क्या है, मतलब सेकंड भी हमारा करेक्ट है। थर्ड क्या है, हायरार्कियल एंड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये हमारा रॉन्ग है। कंस्ट्रक्शन वर्क में जो स्ट्रक्चर होता है वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कई टीम में डिवाइड किया जाता है और हर टीम में एक लीडर होता है, ठीक है फ्रेंड। तो थर्ड हमारा रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद फोर क्या है, वन सही है, सेकंड सही है, थर्ड रॉन्ग है। फोर क्या है, द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हैज़ नॉट फोकस्ड ऑन द डिटेल नीड्स ऑफ द कस्टमर, ये तो हमारा रॉन्ग ही हो गया क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिपेंड किस पे है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, ठीक है फ्रेंड। इसका मतलब थर्ड रॉन्ग है और फोर्थ रॉन्ग है। तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOD ऑफ अ वेस्ट वाटर सैंपल इज एस्टिमेटेड टू बी 180 मिलीग्राम पर लीटर, एज्यूमिंग 4 मिलीग्राम पर लीटर BOD कैन बी कंज्यूम्ड इन द BOD बॉटल, द वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल टू बी एडेड टू अ 300 ml बॉटल इज नियरली, आपसे क्वेश्चन में किसका वॉल्यूम पूछ रहा है, अनडाइल्यूटेड सैंपल का, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि BOD क्या होता है। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन का वो अमाउंट होता है जो अमाउंट कोई भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर में डीकम्पोज होने के लिए यूज करता है, ठीक है फ्रेंड। ड्रिंकिंग वाटर में BOD कितना होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर में BOD की वैल्यू 0.0004 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। इस वैल्यू को आप याद रखिएगा। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल। इसका मतलब डाइल्यूटेड सैंपल का वॉल्यूम आपको कितना दिया है, 300 ml। BOD का फॉर्मूला क्या होता है, ये इक्वल टू होता है BOD कंज्यूम कितना दिया है, 4 मिलीग्राम, फिर इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। BOD की वैल्यू कितना दी है, 180, BOD कंज्यूम कितना है, 4, और डाइल्यूशन फैक्टर। अब डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, ये होती हमारी वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल, ठीक है फ्रेंड। तो अनडाइल्यूटेड सैंपल के हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ लिख लेंगे, ये कितनी है, 300 अपॉन में वी, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा हमारा, 180 इक्वल टू 4 इंटू 300
अपॉन में वी। वी की वैल्यू यहाँ से अब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6.67 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है फ्रेंड, 6.67 मिलीग्राम पर लीटर, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरी स्क्रबर आर डिवाइस यूज टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एटमॉस्फियर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। वेंचुरी स्क्रबर को हम वेट स्क्रबर भी कहते हैं, वेट स्क्रबर। ठीक है फ्रेंड, वेंचुरी स्क्रबर एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होता है जो कि लार्ज पार्टिकल को गैस से रिमूव करता है। अब ये कैसे रिमूव करता है इसको हम फिगर से देखेंगे। यहाँ मान लीजिए यहाँ से गैस जा रही है, गैस है, और यहाँ पे नोजल लगा हुआ है। नोजल से हम हाई वेलोसिटी पे वाटर वेपर को इस गैस पे स्ट्राइक करवाते हैं, जिससे क्या होता है, इस गैस में जो लार्ज पार्टिकल होते हैं जिसे हम पार्टिकुलेट कहते हैं वो वाटर के साथ फ्लो करते करते यहाँ नीचे टैंक में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरह हम गैस से जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको अलग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रिमूवल बाय एटमाइज्ड वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इज एम टू हेल्प। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक तरह की स्टडी है जो कि सभी न्यू प्रोजेक्ट के लिए जरूरी होती है कि उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर पे हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है फ्रेंड, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस, इसके साथ साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, लैंड बेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रेरीज। प्रेरीज क्या है, लैंड बेस इकोसिस्टम है। प्रेरीज क्या होती हैं, ग्रास फील्ड मीन्स घास के मैदान, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन ए हम देखेंगे, लिमनेटिक क्या होता है, लेक या फिर पॉन्ड का जो इकोसिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिमनेटिक। अब ऑप्शन बी स्टोरी, जब सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर आपस में मिक्स्ड होते हैं तो उस जगह का जो इकोसिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरी इकोसिस्टम, जैसे सुंदरवन डेल्टा। फिर डी क्या है, रीफ्स, ये मरीन इकोसिस्टम, जैसे एग्जांपल कोरल रीफ। तो ये तीनों भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी। वन है, कलेक्टिंग सोलर एनर्जी ओवर लार्ज एरियाज एंड कन्वर्टिंग इट टू अदर फॉर्म्स दैट कैन बी कन्वेंशनली ट्रांसपोर्टेड स्टोर्ड एंड यूज्ड इन एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट इज नॉट इकोनॉमिकल। सोलर एनर्जी में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वो सोलर एनर्जी की लिमिटेशन होती है, इसका मतलब वन हमारा करेक्ट है। सेकंड क्या है, लो डेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी एज कंपेयर टू कोल ऑयल एंड गैस, ये भी हमारा करेक्ट है। ये क्या हुई, सोलर एनर्जी की लिमिटेशन। फिर थ्री क्या है, इट्स मेजर एप्लीकेशंस आर फोटो थर्मल कन्वर्जन, सोलर वाटर हीटिंग, ग्रीन हाउसिंग टेक्नोलॉजी एंड फोटो वोल्टाइक कन्वर्जन। ये सोलर एनर्जी का एडवांटेज और एप्लीकेशन है, ना कि लिमिटेशन, इसलिए थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन UPSC ने ऑप्शन ए को करेक्ट माना था। ठीक है फैन, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर पावर कौन प्रोड्यूस करता है,
चाइना, चाइना पहले नंबर पे, ठीक है फ्रेंड। 2020 में चाइना ने अप्रॉक्सीमेट 223.8 टेरावाट आवर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया था। इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक 3 है, ठीक है फ्रेंड, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स ये थे 1 से 50 तक के क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 से 100 तक के क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें।